सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसकी इससे रिलेटेड वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहे, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे एनर्जी मिलती है और मैं नए नए वीडियो आपको देते रहता हूँ, मैथमेटिक्स सिखाते रहता हूँ, तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को आप देखिए, मैं डेफिनेशन बताऊंगा इचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है इचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें से 4 रो है और 5 कॉलम्स है, 4x4 5 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। तो इचेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के लिए 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन अगर कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग इचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये 3 कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन 0 रो सबसे नीचे होना चाहिए, अगर कोई 0 रो है तो उसको सबसे नीचे होना चाहिए। 0 रो कहते किसको है, जिस रो का प्रत्येक एलिमेंट 0 है उसको हम लोग 0 रो कहेंगे। तो 0 रो सबसे नीचे होना चाहिए, अगर 2 0 रो है तो वो भी एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ पर होना चाहिए, तो नीचे ही 0 होना चाहिए, 0 रो होना चाहिए। और नन जीरो रो किसको कहते हैं, जिस रो में नॉन जीरो एलिमेंट भी है उसको नॉन जीरो रो कहेंगे। तो नॉन जीरो रो का फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होना चाहिए, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री हो गया, तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होना चाहिए। ये भी नॉन जीरो रो है तो इसका फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है, यूनिटी होना चाहिए। ये भी नॉन जीरो रो है तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यूनिटी है, 1 है। तो 2 कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या है कि जो नॉन जीरो रो है उस नॉन जीरो रो में नॉन जीरो एंट्री के पहले जितना जीरो है उसकी संख्या नीचे आने पर बढ़ना चाहिए। इसमें नॉन जीरो एंट्री के पहले एक भी जीरो नहीं है, इसमें नॉन जीरो एंट्री के पहले 1 जीरो है, इसमें नॉन जीरो एंट्री के पहले 3 जीरो है। तो नॉन जीरो एंट्री के पहले जो जीरो है उसकी संख्या इंक्रीज करना चाहिए, जैसे यहाँ 1 जीरो है और यहाँ पर 3 जीरो होगी। तो ये 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन कौन कौन सा हो गया फिर से समझिए कि सबसे पहले 0 रो जो है वो सबसे लोअर पार्ट में होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। नॉन जीरो एंट्री का पहला नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एंट्री यूनिटी होना चाहिए। ये नॉन जीरो रो है, पहला नॉन जीरो एंट्री यूनिटी है, ये नॉन जीरो रो है, इसका पहला नॉन जीरो एंट्री यूनिटी है। और नॉन जीरो रो में जो नॉन जीरो एंट्री है उसके पहले जीरो की संख्या इंक्रीज करना चाहिए, यहाँ 1 जीरो है, इसमें 3 जीरो है। तो ये 3 कंडीशन अगर कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड इचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको रो इचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो देखिए मैं डेफिनेशन वही लिखा हूं, इचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी इन इचेलन फॉर्म इफ एवरी रो ऑफ ए व्हिच हैज ऑल एंट्री 0 अकर्स बिलो एवरी रो व्हिच हैज ए नॉन जीरो एंट्री, यानी कि प्रत्येक रो ए का प्रत्येक रो जिसका सारा एंट्री 0 है वो नीचे होगा वैसे रो से जिसका नॉन जीरो एंट्री है। तो नॉन जीरो एंट्री वाला से 0 एंट्री वाला रो जो है वो नीचे है। दूसरा, द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज इक्वल टू 1, प्रत्येक नॉन जीरो रो का नॉन जीरो एंट्री जो है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होना चाहिए। ये नॉन जीरो रो है और फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है तो ये 1 है, ये नॉन जीरो रो है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है, यहाँ पर भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है। और द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट,
फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जो जीरो की संख्या है इन ए रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन द नेक्स्ट रो। तो कोई भी रो में पहला जो नॉन जीरो एंट्री है उसके पहले जीरो की संख्या कम होना चाहिए उसके अगले रो में वैसे जीरो की संख्या से। तो यहाँ पर नॉन जीरो एंट्री के पहले 3 जीरो, इसमें नॉन जीरो एंट्री के पहले 1 जीरो, तो यहाँ पर ये कम है इसमें ज्यादा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रो इचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स या इचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, बी मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ जैसे 0 1 3 2 0 0 1 0 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
ये रो है जीरो रो, एक ये रो जीरो रो है, तो जो भी जीरो रो है वो सबसे नीचे है और नॉन जीरो रो उसके ऊपर है, और जो नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एंट्री है वो यूनिटी है, इसका भी नॉन जीरो एंट्री जो है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वो यूनिटी है, और साथ में इसके पहले जो जीरो की संख्या है वो नीचे आएंगे तो ज्यादा है, बढ़ना चाहिए, इसमें निश्चित रूप से कम होना चाहिए इससे, यानी कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो नॉन जीरो के पहले जो जीरो की संख्या है वो इंक्रीज करना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना चाहिए। तो ये भी हो गया रो इचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स या इचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, सी आप देखिए इसको, जीरो जीरो वन जीरो थ्री टू, जीरो 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 वन थ्री जीरो फाइव, या यहाँ पर हम लोग टू कर देता हूँ, जीरो 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 वन टू, जीरो 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 जीरो, ये मैट्रिक्स देखिए, ये मैट्रिक्स भी हो गया इचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, इचेलन फॉर्म है ये मैट्रिक्स का, इचेलन फॉर्म में है, क्यों, जो जीरो रो है सबसे नीचे है, नॉन जीरो रो का फर्स्ट एंट्री यूनिटी है, यहाँ पर भी यूनिटी है, यहाँ पर भी यूनिटी है, और जीरो की संख्या इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट नॉन जीरो के पहले, तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो के पहले दो जीरो था, इसमें तीन जीरो हो गया, इसमें चार जीरो हो गया, इंक्रीज कर रहा है, तो ये इचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर रैंक निकालना बड़ा आसान होता है इचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स में, इचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स में रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होता है जितना, वही उसका रैंक होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इन ई इन इचेलन फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी इचेलन फॉर्म में अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका जो रैंक होता है वो किसके बराबर होता है, नॉन जीरो रो ऑफ द मैट्रिक्स के संख्या के बराबर होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। जैसे आप इस मैट्रिक्स में देखिए, इस मैट्रिक्स में कितना नॉन जीरो रो है, ये जीरो रो है, और यहाँ पर इसमें तीन नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा थ्री। जितना नॉन जीरो रो होता है वही उसकी उसका रैंक होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए इस मैट्रिक्स में बी में, तो बी में क्या है, यहाँ पर दो नॉन जीरो रो है और ये दो जीरो रो है, तो नॉन जीरो रो की संख्या जितना होता है वही रैंक होता है। रैंक को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, रो रो ऑफ बी इज इक्वल टू टू, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू टू। क्यों टू हुआ, क्योंकि इसमें दो नॉन जीरो रो है। आप इसमें देखिए कितना नॉन जीरो रो है, आप देख रहे हैं ये जीरो रो है और ये जो है वो नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो, तो इसमें तीन नॉन जीरो रो है, यानी कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, थ्री। अब अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो उसको इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका रैंक निकाल सकते हैं। तो चलिए एक उससे क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं और कैसे रैंक निकालते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का हम लोग को रैंक निकालना है, क्या रैंक होगा, तो इसको हम लोग इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक निकालेंगे। तो कैसे इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जरा समझिए इसके बारे में। सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इक्वल टू वन माइनस टू माइनस वन फोर, टू माइनस फोर थ्री फाइव, माइनस वन टू सिक्स माइनस सेवन, तो सबसे पहला काम करना है कि यहाँ वाला एलिमेंट को वन ले आना, अगर ये वन नहीं है तो सबसे पहले इसको वन लाएंगे। तो यहाँ तो ऑलरेडी वन है तो वन लाने की जरूरत नहीं है, इसको अगर नहीं है तो इसको वन ले आएंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके।
अब जब ये रो इलेमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन करना है और जब ये वन ऑलरेडी है तो ये दोनों एलिमेंट को जीरो लाएंगे। तो ये दोनों एलिमेंट को जीरो कैसे लाएंगे, देखिए ऐसा करते हैं हम लोग कि इसमें सेकेंड में फर्स्ट में टू से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए अप्लाई करते हैं हम लोग कि आर टू में काम कर रहे हैं, आर टू माइनस टू आर वन, आर वन में टू से मल्टीप्लाई करके आर टू में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट रो तो वही रह जाएगा, फर्स्ट रो जीरो करते हो और इसमें टू से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो, टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर और माइनस फोर माइनस फोर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी जीरो, टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू, थ्री में सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइव, टू से मल्टीप्लाई करेंगे एट, फाइव में सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस थ्री और ये दोनों को ऐड कर दीजिए ये जीरो आ जाएगा। आर थ्री में क्या कर रहे हैं, आर थ्री प्लस आर वन, ये दोनों ऐड करने से ये जीरो हो जाएगा, इसको जीरो लाना है। तो माइनस वन में वन ऐड करते हैं जीरो, माइनस टू में टू ऐड करते हैं जीरो, माइनस वन में सिक्स ऐड करते हैं फाइव, फोर में माइनस सेवन ऐड करते हैं माइनस थ्री। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो नॉन जीरो एलिमेंट आया है उसको आप क्या कीजिए, उसको वन ले आइए, यहाँ पर वन ले आइए। तो ये वन कैसे आएगा, जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है, इक्वल नहीं होता, यहाँ इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट रो दोनों को सेम रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग मत कीजिए, जीरो जीरो फाइव माइनस थ्री। अब क्या करते हैं थर्ड रो में, सॉरी इसको वन लाएंगे, तो वन लाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग सेकेंड रो में, सेकेंड रो में हम लोग वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकेंड रो में वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करने पर ये वन आ जाएगा, देखिए ये जीरो में वन बाय फाइव से करेंगे तो जीरो, जीरो में करेंगे जीरो, यहाँ पर वन बाय फाइव से करेंगे तो वन, यहाँ पर वन बाय फाइव से करेंगे तो मल्टीप्लाई माइनस थ्री बाय फाइव और ये जो का क्यों रहने दीजिए, जीरो जीरो फाइव माइनस थ्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फाइव से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जीरो लाइए, इसके बाद इसको जीरो लाना है, पहले यहाँ पर वन, उसके बाद नीचे वाला जीरो, उसके बाद जो नॉन जीरो एलिमेंट आया उसको वन और उसके बाद फिर नीचे वाला को जीरो लाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट टू कैसे ये आएगा, जरा समझिए इसके बारे में। फर्स्ट रो और सेकेंड रो को बिल्कुल सेम रहने दीजिए, तो वन माइनस टू माइनस वन फोर, फर्स्ट रो भैया वन माइनस टू माइनस वन फोर, जीरो जीरो वन माइनस थ्री फाइव, माइनस थ्री बाय फाइव, जीरो जीरो वन माइनस थ्री बाय फाइव और इसमें फाइव से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और फाइव से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो मैट्रिक्स आया है ये रो इकलन फॉर्म में या इचलन फॉर्म में ये आ गया है, क्योंकि ये जीरो रो सबसे नीचे है, नॉन जीरो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट यूनिटी है, यहाँ पर भी नॉन जीरो एंट्री जो है यूनिटी है और जीरो की संख्या इंक्रीज किया, इसमें एक भी जीरो नहीं है नॉन जीरो के पहले और इसमें नॉन जीरो के पहले दो जीरो है तो इंक्रीज किया, तो ये इचलन फॉर्म में आ गया। इसका रैंक आप देखना है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा ये जो मैट्रिक्स आया उसमें कितना नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो दो है तो इसका रैंक हो जाएगा टू। ध्यान दीजिएगा कोई भी दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है ये ए का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है तो दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का रैंक सेम होता है, जितना रैंक इसका होगा उतना ही रैंक इसका होगा और इस मैट्रिक्स का रैंक टू है क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो टू है तो इसीलिए इस मैट्रिक्स का भी रैंक हो जाएगा टू। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप रैंक का सवाल बना सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को रो इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक निकाल सकते हैं। फिर एक होता है नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करके रैंक निकाला जाता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल में पहली बार आया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।